सारा अध्यात्म के केवल दो ही शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, होश और बेहोश। जब हम होश में हैं तब कोई गलती नहीं, और जब हम बेहोश में हैं, बेहोशी में हैं, तो गलतियां हैं। होश अर्थात आत्माभिमान, बेहोश अर्थात देहभान। पाप और पुण्य की इससे बड़ी और कोई परिभाषा नहीं हो सकती कि जो कुछ होश में किया जाए, संपूर्ण होश में, संपूर्ण जागरण की अवस्था में, वो सब कुछ पुण्य है। और जो कुछ बेहोशी में किया जाए, वो क्या कर्म किया जा रहा है, इसका महत्व कम है। चेतना की स्थिति क्या है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि सभी देशों की फिलॉसफीज हम स्टडी करें, तो जिसे हम पाप समझते हैं किसी दूसरे देश के लोग उसे पुण्य मानते हैं। हमारे लिए कोई किसी की हत्या करना पाप हो सकता है, पर इस संसार में ऐसे कुछ आदिवासी कबीले भी है, वो छुप के बैठे रहते हैं और जो गाड़ी जाएगी उसको तीर से मारते हैं, उनके लिए वो खेल है। देवी को भेंट चढ़ाते हैं, कर्म परिधि पर है। अगर एक चक्र बनाया जाए और केंद्र पर चेतना है, चेतना यदि होश में है तो पुण्य कर्म परिणाम होगा। ये करूं कि ये करूं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न ही नहीं है। डूज और डोंट्स का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है होश का, प्रश्न है चेतना कितनी जागृत अवस्था में है। और जब जब हम बेहोश हो जाते हैं सब भूल जाता है। परमात्मा महावाक्य है, सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। स्मृति है तो सब ठीक, विस्मृति जिस घड़ी हो गई उसी घड़ी पाप विकर्म दुष्कर्म होता है। कोई कितना भी सोचे सुबह मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, कितना भी सोचता है, पर अचानक वो हो जाता है जो उसे करना नहीं था, क्योंकि वो कार्य कर्मों पर कर रहा है। कार्य कर्मों पर नहीं करना है, सेंटर पर करना है, परिधि पर नहीं, सरकमफरेंस पर नहीं, पॉइंट स्वयं को जागृत रखना। तो आप सब जो इस भट्टी में आए हैं, एक ही लक्ष्य है। जो ज्योति बुझ गई है उसे फिर से जगाना, जो स्मृतियां विस्मृतियां हो गई है उन्हें फिर से जागृत करना। किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं, किस लिए कुमारी जीवन अपनाया था, किस लिए कुमारी जीवन अपनाया था, किस लिए कुमार बने थे, किस लिए कुमारी बने थे, किस लिए इस यज्ञ में आए थे, लक्ष्य क्या था। लक्ष्य विस्मृत हो गया है, इसलिए सारी गड़बड़ है।